हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 9.3 जिसमें आयतन निकालने के लिए हमें क्वेश्चन करने हैं इसके अंदर। और आयतन क्या होता है कि कोई भी जो आपको बर्तन दे रखा है या कोई भी आपको वस्तु दी हुई है वो कितना स्थान घेरती है, वो उसका क्या होता है आयतन, कितना स्थान घेरती है। अक्षेत्रफल हम पीछे निकाल चुके हैं और इसमें आयतन जब करेंगे तो जैसे कि ये आपके पास क्या है, ये बेलन है, सपोज कीजिए इस ढंग से हमारे पास एक बेलन है और मान लीजिए इस बेलन की त्रिज्या आर है और ऊंचाई इसकी ऊंचाई एच है, तो इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, कितना पानी भरा जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। आयतन कितना पानी भर सकते हैं, आयतन निकालेंगे। अगर कोई ये कहे कि इसके बाहर आपको पेंट करना है, बाहर से पेंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अक्षेत्रफल। अब अक्षेत्रफल ऊपर नीचे करना है, साइडों में करना है, उसी के हिसाब से हम बता देंगे पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। फॉर्मूले हैं इसके अंदर, जैसे बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद रखना आपको। फिर फॉर्मूला आएगा घन का आयतन, घन का आयतन जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ए क्यूब, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ए गुना ए गुना ए। अगर आपको निकालना हो जाए घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है एल बी एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इन फॉर्मूला का हम जो इसके अंदर यूज करेंगे, इन फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, देखिए आपको एक बेलनाकार टैंक दिया है, फिगर में दिखा रखा है बेलनाकार टैंक। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आप आयतन ज्ञात करेंगे। तीन स्थिति दे रखी हैं, पहली स्थिति में आप क्या निकालेंगे, दूसरे में क्या निकालेंगे और तीसरे में क्या आपको ज्ञात करना पड़ेगा। पहले में क्या है, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, यानी इसके अंदर इसको पूरा भरा जाएगा, पूरा भरा जाएगा तो यानी घेरा गया स्थान, और घेरा गया स्थान का मतलब क्या है, ए पार्ट का इसका आंसर आप जो है क्या लिख देंगे, आयतन निकालना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा, आयतन पहले पार्ट का। बी पार्ट में क्या कहा है, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या, अगर इसका प्लास्टर करना हो, प्लास्टर करना इट मीन्स क्या है, ईंटों की बनी हुई फिर ये या कोई और चीज़ है जिसका ऊपर प्लास्टर सीमेंट की बोरी जिसके अंदर यूज होंगी, तो प्लास्टर तो कहाँ होगा, इसके बाहर से होगा, चारों तरफ होगा, और अगर चारों तरफ होगा तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बी पार्ट में क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सी के आंसर में क्या चाहिए इसको, इसमें भरे जाने वाले टैंकरों की संख्या, पानी से आगे टैंकर और बढ़ने हैं तो वो भी क्या फिर आपका आयतन ही निकलेगा। तो तीसरे पार्ट में सी में क्या निकलेगा, आपका आयतन निकलेगा। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इतना ही बताना था कि पहले में आयतन आ जाएगा, दूसरे का आंसर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा और तीसरे का फिर आयतन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, ये देखा 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन के बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है, दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए और जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। ये क्वेश्चन देख लिया आपने, ये आपका पहला बेलन है जिसका व्यास कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी इसकी 14 सेंटीमीटर। दूसरा जो बेलन है उसका व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर
और ऊंचाई दे रखी इसकी 7 सेंटीमीटर दूसरे बेलन की। दूसरे बेलन का व्यास कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी ये वाली कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन तो क्या पूछा था कि परिकलन किए बगैर ये बताएगी कि इसका आयतन अधिक होगा। तो ध्यान रखिए आप जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी ना उसका आयतन भी क्या होगा ज्यादा होगा। ये आपका बेलन ए है और ये है आपका क्या बेलन आपका बी है। तो क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, बेलन बी का आयतन बेलन ए से क्या होगा ज्यादा होगा। बेलन बी का आयतन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या अधिक है, क्योंकि इसकी त्रिज्या अधिक है। ऐसे हम दो पार्ट कर लेते हैं, एक साइड में बेलन ए का निकाल लेंगे, एक साइड में बी का निकाल लेंगे, साथ साथ आपको दिखता भी रहेगा क्या है। तो बेलन ए की त्रिज्या, बेलन यहाँ आपका बेलन ए है, इधर आपका क्या बेलन बी है, यहाँ बेलन ए की त्रिज्या आर, व्यास कितना दे रखा 7 दे रखा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 7/2 सेंटीमीटर। बेलन ए की ऊंचाई एच क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। बेलन ए का आयतन, बेलन ए का आयतन फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज को रखिए इसके अंदर, पाई कितना 22/7, आर स्क्वायर का मतलब क्या है 7/2 × 7/2, ये रहा क्योंकि व्यास इसका 7 था, त्रिज्या इसकी 7/2 हो जाएगी, और एच कितना आपका 14 है, ठीक है भाई 7 से 7 कैंसिल है, 2 किस पे कट जाएगा 2 11 पे, और फिर ये 2 7 क्या हो जाएगा आपका 14, यानी क्या बना आपका 11 × 49, 7 7 49, 11 99 9 और 11 4 44 और 9 कितना हो जाएगा आपका 53, तो 539 सेंटीमीटर³ आयतन हो जाएगा किसका बेलन ए का। अब बेलन बी की त्रिज्या इधर करते हैं, बेलन बी की त्रिज्या आर, व्यास कितना दे रखा है इसका 14 दे रखा है व्यास ही 14, त्रिज्या क्या हो जाएगी 14/2 यानी के 7 सेंटीमीटर। बेलन बी की ऊंचाई, बी की ऊंचाई यानी एच वो क्या दे रखी है आपकी 7 सेंटीमीटर। बेलन बी का आयतन, का आयतन फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर एच, आयतन के लिए पाई 22/7, आर स्क्वायर आर कितना आपका 7, तो 7 × 7 और एच एच भी कितना आपका 7, 7 से 7 कट गया, कट गया है तो 22 × 7 = 49, 49 × 98 हासिल 9 और 49 × 98 98 और 9 क्या हो जाएगा आपका 107 सेंटीमीटर³। ये आयतन आ गया किसका बेलन बी का। देख ली ज़्यादा आयतन किसका है बेलन बी का है, और वही हमने लिखा बेलन बी का आयतन क्या होगा ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या ज़्यादा है। अब बात करते हैं इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल की भी, क्योंकि इसने लास्ट में पूछा ना दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करने का सत्यापन कर दिया, और फिर क्या पूछा है कि क्या जिसका आयतन ज्यादा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है क्या, तो उसके लिए हमें पहले निकाल के देखना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन ए का, बेलन ए का कुल पृष्ठीय अक्षेत्रफल क्या होता, फार्मूला भी यहाँ लिखता हूँ मैं, 2πr×r+h ये फॉर्मूला होता है। चलिए निकालते हैं इसको, 2 पाई की जगह
22 बटे 7 और बेलन ए का आर क्या है आपका 7 बटा 2 गुणा आर प्लस एच का मतलब क्या है 7 बटा 2 प्लस एच, ये एच कितना है इसका 7 है, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका, चलो ये काट देता हूँ, पहले 7 से 7 काट दिया, 2 से 2 भी काट दिया, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 22 गुणे इनको दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 7 और ये 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, क्या बन जाएगा 22 गुना 14 और 7 21 बटा कितना 2, 2 11, इसकी गुणा करेंगे तो क्या बनेगा आपका 11 एकम 11, 1 11 दूनी 22 और 1 23, तो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा आपका, बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ गड़बड़ होगी इसके अंदर भी, बेलन ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुछ गड़बड़ है, तो ठीक है ये सही है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ठीक कर रखा है, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बी का कुल पृष्ठीय अक्षेत्रफल, फॉर्मूला वही 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई की जगह 22 बटे 7 और बी की त्रिज्या कितनी 7, आर प्लस एच का मतलब क्या है 7 प्लस 7, 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूनी 44 और 7 और 7 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 7 और 7 14, इनकी गुणा करेंगे तो 14 चौके 56 5, 14 चौके 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी किसका ज़्यादा है, बी का आया है, तो इसने पूछा था ना क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, तो क्या कह देंगे हाँ हाँ, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय अक्षेत्रफल भी अधिक है, और उस ढंग से आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट है। हाँ थोड़ी सी इसमें बता देता हूँ, कई टीचर ऐसे भी मिलेंगे आपको, हो सकता सही भी होंगे, कि इस फिगर के अंदर वो क्या करते हैं कि ये मान के कि ये बेलन दोनों ऊपर से खुले हुए हैं, और वो कहाँ से आइडिया आ रहा है, जैसे यहाँ से इसकी तली दिखाई दे रही, यहाँ तली दिखाई दे रही कि ऊपर इसका ढक्कन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे ऊपर इसका भी नहीं, इसका भी नहीं है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है कि ये बेलन आपके ऊपर से खुले हुए हैं या बंद हैं, इसलिए मैंने तो ये मान के इसको सोल्व कर दिया है कि ये ऊपर से दोनों के दोनों बेलन क्या हैं ढके हुए हैं, इस ढंग से मैंने इसको सोल्व किया है। अगर आप इसको चाहें कि ऊपर से खुले हुए हैं तो फिर अक्षेत्रफल तो ज़्यादा, फिर भी आयतन तो दोनों का सेम रहेगा, लेकिन अक्षेत्रफल बी का ज़्यादा होगा, ऐसे पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों का कुछ कुछ कम हो जाएगा, क्यों, ये वाली जगह ये वाला ढक्कन ऊपर वाला जिसका पाई आर स्क्वायर होता है ये नहीं काउंट होगा, और इसका भी ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर काउंट नहीं होगा। बाकी मैंने मेरे हिसाब से किया है, ये ठीक किया है, और बाकी आपकी इच्छा है जिसको आप जैसे करना चाहें, या आपकी क्लास में जैसे आपको करवाया जाता है आप उस हिसाब से देख लेना, ठीक है इस ढंग से, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं कह रखा कि बेलन ऊपर से खुले हुए हैं या बंद हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार का क्षेत्रफल दे दिया भी और जिसका आयतन भी दे दिया है, कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब है, आपने बताना क्या है ऊंचाई बतानी है। अब जो आपका घनाभ है, क्या दे रखा है घनाभ का क्षेत्रफल, क्वेश्चन 3 में तीसरा क्वेश्चन, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल और घनाभ के आधार का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, कितना दे रखा है आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे घनाभ कैसे बनाओगे, अगर आप घनाभ बनने लगे हो तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, इस ढंग से आप, बल्कि घन बन गए हैं घनाभ में, इसकी भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी,
ये घन हो गया आपका ये तो। तो इसमें आधार ये है, ये वाला ये आधार, ये आधार है, ये इसकी लंबाई हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी चौड़ाई इसकी, और ये इसकी क्या है इसकी ऊंचाई है। तो आधार ये वाला है, ये वाला आधार ये रहा, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो आधार में लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसको लंबाई गुना चौड़ाई और माना ऊंचाई, जो कि हमने पता करनी है, बल्कि ऊंचाई लिखता हूँ, ऊंचाई ऊंचाई वो हमने क्या करनी पता करना है, ये माना लिखना ऊंचाई हमने एच मान ली है। घनाभ का आयतन क्या दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, 900 दे रखा है। और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर कितना 900, लंबाई गुना चौड़ाई एल बी, वो तो दे रखी है पहले, कितनी दे रखी है 180, यानी इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं 180 गुना एच बराबर कितना 900, और एच बराबर क्या हो जाएगा 900 बटा 180, 10 से 10 और 18 पंजे 90, तो ऊंचाई कितनी आ गई आपकी, ऊंचाई आ गई आपकी जो है 5 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया है थर्ड क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर गुना 54 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर, यानी विमाएं दे रखी पहली लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई और तीसरी क्या ऊंचाई हो गई है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, ये तो बड़ा घनाभ है और उसके अंदर क्या रखने घन रखने, जिसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, उसके अंदर रखने इसका मतलब क्या आयतन। तो हम क्या कर देंगे, पहले इस बड़े घनाभ का आयतन निकाल देंगे, फिर क्या कर देंगे छोटे घन उसके अंदर रखने हैं एक घन का आयतन निकाल देंगे, पूरे आयतन को एक घन के आयतन से भाग कर देंगे तो कुल घनों की संख्या आ जाएगी जो उसके अंदर रखे जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए इसको, क्वेश्चन चार घनाभ की लंबाई L कितनी है 60 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई B वो कितनी है आपकी 54 सेंटीमीटर 54, घनाभ की ऊंचाई H वो कितनी है जी 30 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे घनाभ का आयतन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 60 गुना 54 गुना 30, और मैं इनकी गुणा नहीं करूँगा क्योंकि आगे काटने में काम आ जाए, मैं यू का ही छोड़ देता हूँ इसको सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। अब जो छोटे घन रखने उस घन की भुजा यानी कि ए कितनी है 6 सेंटीमीटर, घन के आयतन का फॉर्मूला कहते हैं ए क्यूब, यानी कि ए गुणा ए यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6, और इनकी भी गुणा नहीं करता मैं सेंटीमीटर क्यूब रख लेता हूँ, इसको भी काटने में इजी होएगा। अब जितने घन रखे जा सकते छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या छोटे घनों की संख्या क्या बनेगी भी, घनाभ का आयतन बटा जो छोटा घन है उस घन का आयतन। अब घनाभ का आयतन क्या निकाला था हमने, 60 गुना 54 गुना 30, और घन का क्या निकाला था 6 गुना 6 गुना 6, इसलिए नहीं रख रहा था मैं, कट जाएंगे अब देखिए, 6 दाएं 60, 6 निम्न 54 और 6 पंजे 30, 9 पंजे 45 और 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएंगे 450 घन आ जाएंगे। भी छोटे घन कितने रखे जा सकते हैं, छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 450। फोर्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन,
एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास कितना दे रखा है, 140 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए इसका ध्यान रखिए, आयतन मीटर क्यूब में है और व्यास किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में। या तो इसके सेंटीमीटर क्यूब बनाए या 140 सेंटीमीटर जो है इसके मीटर बनाए। चलिए करते हैं इसको, देखिए। तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या, चौथे में बेलन का आयतन, पांचवा क्वेश्चन बेलन का आयतन दे रखा, कितना दे रखा है, 1.54 मीटर क्यूब। बेलन का व्यास दे रखा है, मैं बेलन की त्रिज्या लिख देता हूँ सीधा, बेलन की त्रिज्या आर, व्यास दे रखा है 140, इसका आधा कर दो, दो से इसको डिवाइड कर दो, दो से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 70 सेंटीमीटर। और मीटर बनाओगे तो 70/100, 10 से 10 कट जाए, क्या बन जाएगा, 0.7 मीटर। दोनों मीटर में कर, वो मीटर क्यूब में थे इसको मैंने मीटर में ही कन्वर्ट कर दिया है। तो निकालना है क्या हमें, इसकी ऊंचाई निकालनी है हमें। तो माना ऊंचाई, माना बेलन की ऊंचाई लिख देता हूँ, बेलन की ऊंचाई h वो हमने निकालनी है, ठीक भाई। अब दोबारा से लिखता हूँ फिर, ये बेलन का आयतन क्या दे रखा है, 1.54 मीटर क्यूब। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1.54, पाई 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 0.7 है, इसको मैं 7/10 कर दूं, 7/10 आर स्क्वायर हो गया, गुना एच 1.54, इसको क्या कर दूं मैं, 154/100 कर दूं, किस लिए, क्या सारे डेसिमल को हटाने के लिए। और अब निकालना है क्या अपने को, हमें तो एच निकालना है, तो एच को यहाँ रख लेता हूँ, बाकी सब परली तरफ उठा के ले जाऊँगा, 154/100, ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 10 जो है ये भी ऊपर जाएगा दाएं साइड में जाके, ये 10 भी ऊपर चला जाएगा, ये 22 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये 7 कहाँ आएगा, नीचे, ये 7 भी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्लियर है। 10 दाएं 100 ही तो कट जाएंगे आपके, कट गए भी, 22/7 154, 7 का पहाड़ आता है तो 22 का पहाड़ आता है, तो फिर 7 × 7 और ये भी 7 × 7 कितना आ गया, 1 मीटर। इसलिए बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए बेलन की ऊंचाई बराबर 1 मीटर, बेलन की ऊंचाई h क्या हो जाएगी आपकी, 1 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ 5। छठा क्वेश्चन, एक दूध का टैंक, ये दूध का टैंक दिखा रखा है, बेलन के आकार के पीछे इसमें जो आकृति, किस प्रकार के टैंक की, बेलन के आकार की, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर। ये ऐसे तो लंबाई जब इसको सीधा खड़ा कर दें तो ऊंचाई हो जाएगी, तो दिखा कहें तो कि लंबाई एच से दिखाएंगे हम इसको। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो वही आयतन निकालना पड़ेगा, वो अलग बात है, बाद में उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। आसान सा सीधा फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच का। तो क्या करेंगे, देखिए बेलनाकार टैंक की त्रिज्या पहले, क्योंकि टैंक बेलन के आकार का है, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या आर, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या कितनी रखी है, उधर रखी आपकी 1.5 मीटर। बेलनाकार टैंक की लंबाई, बेलनाकार टैंक की लंबाई
लंबाई कहेंगे दिखाएंगे एच सी, क्योंकि आई टी एप्लीकेशन से वो कितनी देर रखी सी, 7 मीटर दे रखी है, 7 मीटर। अब बेलनाकार टैंक का आयतन, बेलनाकार टैंक का आयतन आयतन का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना आपका 1.5, 1.5 गुना 1.5, एच, एच कितना है 7, तो 7 से 7 तो कट जाएगा, बचेगा क्या आपका ये 22 × 15 क्या हो जाएगा 225, वो डेसिमल कितने के बाद, 2 के बाद, इनकी जब गुणा करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा आपकी 49.5 मीटर क्यूब। ये आपके मीटर क्यूब आ गए, और चाहिए इसको आंसर किसमें, लीटर में चाहिए, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे 49.5 को गुणा कर देंगे 1000 से। क्यों कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है भाई, 1000 लीटर के बराबर होता है, इसलिए 1000 से गुणा कर दी, 1000 से गुणा कर दें तो क्या जाएगा आपका 49,500 हो जाएगा लीटर। तो ये आपका छठा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। ये इसका आयतन आया, यही क्या हो जाएगा, दूध की मात्रा हो जाएगी, चलो लिख देता हूँ इसको मैं, टैंक में भरे जाने वाले दूध की मात्रा, इसलिए इसलिए टैंक में भरे जाने वाली दूध की मात्रा क्या हो जाएगी 49,500 लीटर। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, छठा। सातवां क्वेश्चन, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए, प्रत्येक किनारे को एक है, घन की भुजा को दुगुना कर दें, 5 है तो 10 कर दें, 10 है तो 20 कर दें, 20 है तो 40 कर दें, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी पहला, और दूसरा इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी, यानी कि भुजा को दुगुना करने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी और आयतन के अंदर कितनी वृद्धि होगी, ये हमने बताना है। तो माना घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई, घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई, घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई, घन के प्रत्येक किनारे की, प्रत्येक किनारे की लंबाई, प्रत्येक किनारे की लंबाई वो हमने क्या ले लिया, मान लीजिए L ले लिया, प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या ले लिया, L बराबर है L ले लिया, प्रत्येक किनारे की लंबाई L, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल A, A फोर एरिया क्या हो जाएगा 6L² ये होता है। अब घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना करने पर, यहां लिख देता हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लीजिए उसको कह दिया हमने ए डैश, फॉर्मूला क्या होता है 6L² तो 6 और L को क्या कर देंगे हम 2L कर देंगे, क्योंकि किनारा क्या होगा डबल हो गया, पहले किनारा क्या था आपका L था, ये L था, L का दुगुना क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा, तो किनारे को हमने डबल कर दिया है, तो फॉर्मूला क्या है 6L² यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे क्या बन जाएगा 6 × 2 कितना 4 और क्या साथ में क्या हो जाएगा L², इसको हम थोड़ा सा यूँ लिख सकते हैं 4 को पहले लिख दूँ और फिर क्या कर दू 4 × क्या कर दू 6L². अब ये 6L² तो किसका था, शुरू में था क्षेत्रफल, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं
चार गुना ये क्षेत्रफल क्या आपका ए है, यानी चार गुना ए, यानी कि ए डैश क्या हो जाएगा चार ए, यानी पहले वाले क्षेत्रफल का क्या हो गया ये चार गुना हो गया। तो अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा चार गुना हो जाएगा अभी, अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल चार गुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। ये था इसका फर्स्ट पार्ट था, ये तो फर्स्ट। सेकंड पार्ट में यही काम किसके लिए करना, आयतन के लिए करना है। तो भुजा वही क्या आपकी एल है, तो घन का आयतन निकालिए पहले, घन का आयतन, आयतन क्या होगा एल का घन यानी एल क्यूब, एल गुना एल गुना एल, और दुगुना कर दिया जाए तो आयतन प्रत्येक किनारे को, इस आयतन को मैं बी से दिखाते पहले वाले को, प्रत्येक किनारे को दुगना करने पर आयतन, इसका मान लीजिए बी डैश कह दिया, एल क्यूब या एल का क्या हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा, उसे क्या कर देंगे क्यूब घन। अब दो का घन दो गुना दो, दो का घन है दो की तीन बार गुना दो दूनी चार दूनी आठ एल क्यूब। अब ये एल क्यूब और ये एल क्यूब देखिए ये क्या है एल क्यूब, ये तो शुरू में था, ये क्या हो गया आठ एल क्यूब, यानी पहले वाले का क्या हो गया आठ गुना हो गया, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं आठ इंटू वी कर दो आठ गुना वी, यानी कि वी डैश जो आपका जो नया जो आपका आयतन है वी डैश बराबर क्या है आठ गुना वी, यानी पहले वाले आयतन का क्या हो गया है आठ गुना हो गया, अतः इसका आयतन अतः घन का आयतन अब दुगुना करने के बाद घन का आयतन क्या हो जाएगा आठ गुना हो जाएगा, घन का आयतन आठ गुना हो जाएगा। ये आपका हुआ सातवां क्वेश्चन, आठ गुना हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, यानी एक मिनट में पानी कितना गिर रहा है 60 लीटर गिर रहा है, ये कुंड रहा है इसके अंदर ये पानी गिर रहा है, ट्यूबवेल चल रहा है नलकूप चल रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो पहले हम ये देख लेंगे एक मिनट में कितना आ रहा है 60 लीटर, फिर क्या निकाल लेंगे एक घंटे में कितना पानी आएगा इसके अंदर, तो कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन आठवां जो आपका ये क्वेश्चन आठ, एक मिनट में कुंड में गिरे पानी का आयतन, एक मिनट में कुंड में गिरे पानी का आयतन, क्योंकि दे रखा ना 60 लीटर प्रति मिनट, तो एक मिनट में कितना है 60 लीटर, 60 लीटर के मीटर क्यूब बना लीजिए भी, क्योंकि टैंक का आयतन कुंड का आयतन मीटर क्यूब में दे रखा है, और मीटर क्यूब में बनाने के लिए क्या कर देंगे 60 को किससे भाग कर दीजिए आप 1000 से भाग कर दीजिए, इतने मीटर क्यूब पानी क्या होगा इसमें एक मिनट में गिरेगा। अब एक घंटे में कितना पानी गिरेगा, एक घंटे यानी कि 60 मिनट, मिनट में एक घंटे में कुंड में गिरे, कुंड है भी, कुंड में गिरे पानी का आयतन एक मिनट में तो ये गिरता है क्या 60/1000, और एक घंटा कहो या 60 मिनट गुना में क्या हो जाएगा 60, इतने मीटर क्यूब हो जाएगा ये एक घंटे में। दो जीरो से दो जीरो काट दी, ये कट गए भी ठीक है, और क्या कट रहा आपका 6 दाएं 60 10, और क्या कट रहा आपका 2 3 6 2 5 10, यानी क्या हो जाएगा 3/5 मीटर क्यूब, ये कितने में गिरा पानी एक घंटे में। तो 3/5 मीटर क्यूब पानी कितने टाइम में गिरता है एक घंटे में, थोड़ी सी काटने में गड़बड़ कर दी, था क्या आपका 60/1000 था, मैंने क्या कर दिया इसको 6000 कर दिया अभी। तो इस पार्ट को दोबारा देख लीजिए,
इसको दोबारा देख लीजिए। एक घंटे में कुंड में गिरे पानी का आयतन, एक मिनट में कितना गिर रहा आपका, 60/1000 कर देता हूँ आराम से, 60/1000। और एक घंटा यानी कि 60 मिनट का गुणा में कितना कर देंगे, 60, वहाँ था तो 1000, 6000 कर लिया मैंने, 20 कैंसिल आपकी, ठीक है, और मत काटो इतना छोड़ दो, 6 × 36/10 मीटर क्यूब पानी जाएगा कितने में, एक घंटे में। अब ठीक है, अब इसको करेंगे तो देखिए 36/10 मीटर क्यूब पानी में लगा समय बराबर क्या होगा, एक घंटा। एक मीटर क्यूब पानी में लगा समय क्या हो जाएगा, 1/36/10, उसको चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ये एक ऐसे क्या हो जाएगा आपका, ये 10/36 घंटे हो जाएगा, क्लियर है मेरे ख्याल से। और कुंड का आयतन कितना दे रखा है, 108, तो 108 मीटर क्यूब पानी में लगा समय, तो 10/36 जो है आपका ये, उसको आप गुणा क्या कर दो, 108, 36 × 108, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 × 30 घंटे। और इस ढंग से आपकी ये एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।